स्वागत है आपका एज इवेंट में। आज अपन बात करेंगे चित्तौड़ ग्राम चैलेंजर्स वर्सेस फॉर्च्यून बेल्स के बीच होने वाले बांग्लादेश प्रीमियर T20 लीग के मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारी मेगा ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प प्लेयर, जिससे कि अपन लाखों रुपए विन कर सकते। साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट और इस वेन्यू पे मैचों को जानेंगे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे रहता है। साथ में पेसर को विकेट मिलता है, स्पिनर, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर। लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था हसन महमूद और जिष्णु सनाका और नवाज आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं। तीनों ही प्लेयर बहुत ही शानदार चले थे और एक तरफ अपन को जीएल और मिनी जीएल में इन्होंने विन करवाया। इस मैच में बताऊंगा, देखो काफी ऐसे आपको लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन उनका रोल गेम में रहने वाला है और बहुत से ऐसे हाई परसेंट प्लेयर है जो आज इस पिच पे फ्लॉप हो सकते हैं। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा स्लाइट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्लाइट में। यहाँ देखो आप जो लास्ट कल के मैच खुलेना टाइगर 160 पिच है जिसको रैंगिट्स की टीम चेज नहीं कर पाती। 10 के 10 विकेट, 10 विकेट पेसर को, 5 विकेट मिलते स्पिनर को। कोमिला विक्टोरियंस 130 पे 8, स्लाइट 78 पे ऑल आउट हो रही है अपने होम ग्राउंड में। 5 विकेट पेसर को, 11 विकेट स्पिनर को। तो भाई काफी स्पिन फ्रेंडली ये वेन्यू देखा गया, काफी लो स्कोरिंग है, स्लो पिच देखी। पहली पारी में जरूर रन बने, उसके बाद आप देखोगे तो एकदम से कम रन बनते गए, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान को देखो आप 116 पे 7, जिसको बांग्लादेश की टीम चेज कर रही है। 7 विकेट पेसर को, 4 विकेट मिले स्पिनर को। अफगानिस्तान 157 पे 4, बांग्लादेश स्कोर को चेज कर रही है। 9 विकेट पेसर को, 6 विकेट मिले थे स्पिनर को। इससे पहले लास्ट सीजन यहाँ पे बड़ा स्कोर बना था, 210 बने थे 2 विकेट के नुकसान पे, जिसको कोमिला विक्टोरियंस ने चेज भी किया था। 2 विकेट पेसर को, 3 विकेट मिले थे स्पिनर। देखो वैसे तो ये पिच बैटिंग फ्रेंडली है, लेकिन जो लास्ट के जो 2 मैच हुए अभी के एकदम लेटेस्ट मैच है, तो इस पिच को देखते हुए फिर से देखो पिच स्लो ही होने वाली है, ठीक है। बाकी जो विकेट कॉलम है वो पेसर स्पिनर दोनों को मिले। तो स्पिनर्स में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन कम है, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कौन से वो प्लेयर है, किस प्रकार से आपको उनको रोटेट करना है, सीवीसी किसे रखना है, कौन से नए प्लेयर इस गेम में आ सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखो फॉर्च्यून बेल्स के जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, तमीम इकबाल के साथ ओपनिंग करेंगे मेहंदी हसन मिराज, उसके बाद प्रीतम कुमार, सौम्य सरकार, रहीम, शोएब मलिक, मोहम्मद उल्ला, दुनित विलालगे, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद इमरान और खलाद अहमद आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखो फकर जमान, इब्राहिम जादरान, मोहम्मद सैफुद्दीन, इनके स्क्वाड में। बाकी देखो और भी कई प्लेयर हैं जो अलग लीग में खेल रहे हैं, अगर उनमें से कोई प्लेयर अवेलेबल होता है तो उसकी सूचना या मैच रिलेटेड जो भी अपडेट रहने वाले सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें, जिससे आपको पता रहे कि कौन सा प्लेयर खेलने वाला है। साथ में मेगा जेल के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी मैं आपके साथ वहां पे टॉस के बाद शेयर करने वाला हूँ। टेलीग्राम क्यों जो करना जरूरी है, क्योंकि देखो इस लीग में आपको पता है बहुत सी लीग इस टाइम पे चल रही है, तो कई प्लेयर अलग अलग जगह खेल रहे हैं, तो सबके डाटा आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि आधे प्लेयर तो खेलने नहीं है क्योंकि वो अलग लीग्स में खेल रहे हैं। बाकी फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जैसे लास्ट मैच में भी कुछ प्लेयर आ गए थे, ठीक है, तो ऐसे कुछ नए प्लेयर भी कई बार स्क्वाड में आ जाते हैं, तो उनको आप मैं टेलीग्राम पर आपको बता दूंगा। तमीम इकबाल को देखो भाई 69, 13, 44, 35, 40 और 19, तमीम इकबाल अच्छा प्लेयर है, काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए निभा सकता है, तो अच्छा प्लेयर आपके लिए तमीम इकबाल रह सकता है। महेंद्र सिंह मिराज की करते हैं बात, 28 रन 1 विकेट 19 प्लस 0 0 20 रन 2 विकेट, उसके बाद पूरी तरह से विकेट लेस, लास्ट गेम में 0 पे आओ। भाई जितना चेंज एक्सपेरिमेंट ये महेंद्र सिंह मिराज के साथ करते हैं ना बांग्लादेश वाले, चाहे लीग्स में देख लो चाहे इंटरनेशनल में, इतना तो कोई गली क्रिकेट में भी किसी प्लेयर को आगे पीछे नहीं करता। पता नहीं यार क्या इनके दिमाग में कीड़ा है, या तो इसको पहले मैच में इसको वन डाउन भेजा, फिर नीचे भेजा, फिर लास्ट में फिर से ओपन भेज करा दिया, यार कौन सा तरीका पता नहीं। अब अगले मैच में कहाँ खिलाएंगे भाई, इसकी प्रिडिक्शन मैं तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पता ही नहीं यार क्या टीम है ये, ठीक है। बांग्लादेश की मेरे तो ये कहानी तो अभी तक समझ में नहीं आई भाई, पोजिशन को लेकर तो सभी प्लेयर्स के साथ कई बार छेड़खानी ये करते हैं, तो ये बात आपको देखो ध्यान में रखनी है। बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी बैटिंग में भी देखो ऊपर लास्ट मैच की तरह आता है तो काफी इंपोर्टेंट प्लेयर रहेगा महेंद्र सिंह मिराज। हालांकि विकेट कुछ टाइम से इसको नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छे विकेट लेगा। प्रीतम कुमार की बात करते हैं, 108, 46, 76 भाई डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, लास्ट गेम जरूर 8 पे आउट हुआ। अगर इसी पोजिशन पर खेलता है तो इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है, 35 से 40 रन आपको ये करके दे सकते हैं, थोड़ा सा टिककर खेलने वाला बैट्समैन है। सौम्य सरकार की बात करें, 169, 4 नॉट आउट, 22, 4, 1, 22 और 42। भाई सौम्य सरकार अच्छा प्लेयर है, तो सौम्य सरकार तगड़ा खेलता है, ठीक है, फास्ट खेलता है, लेकिन इसकी ये एक खास बात आपको दिख रही होगी कि कई बार जल्दी भी आउट होता है, थोड़ा सा आप इस प्लेयर पे रिस्क भी ट्राई कर सकते हो। रहीम की बात करता हूँ, 21, 4, 45, 26, 67 नॉट आउट, 62। भाई कमाल का फॉर्म दिखाया मुस्तफिकर रहीम ने,
इंपॉर्टेंट प्लेयर फिर से रहेगा क्योंकि विकेट कीपिंग भी ही करने वाला है। शोएब मलिक की बात करें, 54 रन 1 विकेट, 64 17 रन 1 विकेट, लास्ट 2 गेम से कोई रोल नहीं बन रहा है, बॉलिंग टीम दे नहीं रही है, तो रिस्की प्लेयर रहेगा अगर टीम में भी लोगे तो। बैटिंग इतनी अच्छी करता है वैसे तो, लेकिन इतनी नीचे खेलने आएगा तो क्या ही बैटिंग करेगा। मोहम्मदुल्ला 20 56 22 32 19 नॉट आउट 27 और 4। मोहम्मदुल्ला या शोएब मलिक दोनों में से ट्राई करो तो एक ही प्लेयर को ट्राई करना भाई, दोनों की अच्छे से बैटिंग आने के चांस कम है। हाँ, अगर पूरा टॉप ऑर्डर कोलेप्स हो जाए उस कंडीशन में, फिर आपको वहां से भी कोलेप्स कराना है। ऐसे नहीं कि आपके टीम में वहां से भी प्लेयर है और इन दोनों प्लेयर्स को भी आप ले रहे हो, तो टीम इस तरीके से आपको बनानी चाहिए। विला लगे की बात करूँ, 34 रन 1 विकेट, 21 रन 3 विकेट, 52 नॉट आउट 4 विकेट 0 1 विकेट 0, लास्ट गेम में 3 विकेट। भाई विला लगे काफी इंपोर्टेंट प्लेयर आपके लिए इस गेम में फिर से बन सकता है, अच्छा प्लेयर है। अब्बास अफरीदी की बात करते हैं, 1 विकेट 0 3 विकेट 2 विकेट 0 1 विकेट। अब्बास अफरीदी राइट आर्म फास्ट गेंदबाज, न्यूजीलैंड में अच्छी विकेट निकाल रहा था, हो सकता है यहाँ पे भी आपको 1 से 2 विकेट निकालता हुआ नजर आए, और फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो भाई, 3 विकेट का स्पेल भी आ सकता है। रहमान की बात करूँ, 1 विकेट 6 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट। भाई अच्छा बॉलर है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, रेगुलर इसको विकेट मिल रहा है, फिर भी सिलेक्शन आपको कम दिखेगा भाई। लास्ट गेम में तो विकेटलेस गया है, बॉल फर्स्ट करेगा तो फिर से ड्रीम टीम का मेंबर बनेगा, ये बात आप लिख कर रख लो ठीक है। खिलाद अहमद 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 4 विकेट 0 1 विकेट। खिलाद अहमद एम इमरान पहले बॉलिंग करे तो आप दोनों के साथ जा सकते हो, दोनों में से एक प्लेयर तो डीटीआर लगभग कंफर्म है, दोनों का सिलेक्शन आपको, एक का 35 के आसपास दिखेगा, एक का आपको 25 ही दिखेगा एम इमरान का ठीक है। यहाँ से भाई फकर जमान खेल जाता है तो फिर तो लेना ही है, 15 50 19 9 33, हालांकि रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं है, फंस भी सकता है ऐसी कोई बात नहीं। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ चैलेंजर्स की, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले हैं। तनाजिम हसन के साथ ओपनिंग करेंगे अविष्का फर्नांडो, उसके बाद सादत हुसैन, जादरान उजमान, क्रिटिस कैंपर, स्वागतम होम, बिलाल खान, अमीन हुसैन, सोदुल इस्लाम और निजादुमान। इसके अलावा अगर कुशाल मेंडिस आते हैं तो फिर एक प्लेयर इनमें से बाहर जाएगा जो फॉरेनर है ठीक है। यहां देखो आप तंजीम हसन को देखो आप, 58 34 43 2 19, लास्ट मैच में अच्छी पारी खेली है, अच्छा प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो, अच्छी पिक आपके लिए इस गेम में बन सकता है, सिलेक्शन काफी कम है। अब इसका फर्नांडो का भाई हाल ये है कि एक पारी बढ़िया आएगी फिर उसके बाद ये फ्लॉप खेलेगा, तो हाई रिस्क हाई रिवार्ड प्लेयर है, किसी मैच में आपको जिता देगा, बाकी 100 में से आपको 80 मैच ये हराएगा ठीक है, ऐसा प्लेयर है। तो अब देख लो आप इसको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये प्लेयर काफी कंफ्यूजिंग प्लेयर है तो इस पर कुछ बोलना ठीक भी नहीं है ठीक है। सादत हुसैन की बात करें, 21 8 28 नॉट आउट 113 57 6 और 22, भाई ये अच्छा प्लेयर है, कंटिन्यू रन बना रहा है ठीक है, तो कंटिन्यू रन बना रहे ऐसे प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में ज्यादा रखना चाहिए, ऐसे को भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि एकदम से नहीं चलेगा ठीक है, चलता तो है, देखो बीच बीच में अच्छी पारी खेलता है, फास्ट खेलता है, तो भाई हाई रिस्क हाई रिवार्ड है, वो तो आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपकी क्या कैपेसिटी रिस्क लेने की ठीक है। जादरान की बात करो, 28 19 23 5 61 नॉट आउट 24 और 32 नॉट आउट, भाई जादरान ने कमाल का फॉर्म दिखाया है ठीक है, फॉर्म में आ गया है बंदा, फिर से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इसको स्पिनिंग पिच से भी कोई दिक्कत नहीं है, गेंद को सीधा ही उठा के मार देता है बाहर ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए फिर से बन सकता है। उजमान की बात करें, 35 67 43 9 11 0 1, कोई खास प्लेयर है नहीं, लास्ट गेम में ऊपर खेलना है, ऊपर खेलना है तो आप एक आध टीम दे सकते हो, बाकी कोई खास प्लेयर है नहीं। क्रिटिस कैंपर 66 40 प्लस 4 विकेट 1 विकेट 7 प्लस 0, लास्ट गेम में भी 1 विकेट, एक आध विकेट मिल रही है क्रिटिस कैंपर को, बैटिंग से इतना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है नहीं। स्वागत होम 16 रन 1 विकेट 3 विकेट 0 0, उसके बाद 7 रन नॉट आउट प्लस 1 विकेट। बिलाल खान को देखो भाई, 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 1 विकेट और 2 विकेट, भाई अच्छे विकेट निकाले बिलाल खान, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है, बॉल फर्स्ट का बहुत ही शानदार गेंदबाज है। अमीम हुसैन 0 2 विकेट 2 विकेट, भाई ये इनका पुराना गेंदबाज है, नया गेंदबाज नहीं, फर्स्ट क्लास में भी अच्छा करके आ रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। यहाँ देखो आप शादुल इस्लाम 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 0 40 रन 2 विकेट, और लास्ट गेम में विकेटलेस रहा था शादुल इस्लाम ठीक है। निजामुद्दीन को देखो भाई, निहादुजून जमान 0 1 विकेट 0 1 विकेट 1 विकेट, भाई अच्छा बॉलर है, एक एक विकेट मिल रहा है इस मैच में, हो सकता है इसके विकेट कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि लास्ट गेम में यहाँ पे देखा गया स्पिनर को अच्छे विकेट मिले। इसके अलावा यहाँ से कुशाल मेंडिस खेलता है तो अच्छी पिक आपके लिए रहेगा। बात करते हैं मेगा ग्रेलिक के लिए, जो बेहतरीन पिक आपके लिए इस गेम में बन सकते हैं, भाई ये प्लेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे नहीं सारे प्लेयर एक ही टीम पे नहीं लेने आपको, क्योंकि ये है हाई रिस्क की प्लेयर, लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर, आगे बताऊंगा हाई परसेंट प्लेयर किस प्रकार से लेने, किस प्रकार से उनको ड्रॉप करना है, सीवीसी किसे रखना है, कॉम्बिनेशन में इन प्लेयर को कैसे डालना है, भाई पूरा टीम कॉम्बिनेशन में आपको बता दूंगा। यहाँ देखो खिलाद अहमद, मोहम्मद इमरान और प्रीतम कुमार, भाई इनको काफी कम लोग लेकर जा रहे हैं। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ चैलेंजर्स की, सादत हुसैन, निजामुद्दीन और स्वागतम होम, भाई काफी कम लोग लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं,
क्योंकि लास्ट कुछ मैचों में इनका परफॉर्मेंस एकदम से स्टेबल नहीं रहा, लेकिन अच्छे प्लेयर है। थोड़ी बहुत मैं बताऊंगा किस कंडीशन में कौन सा प्लेयर अप्लाई होगा। भाई देखो हर मैच में ड्रीम टीम में ये प्लेयर आते हैं, ठीक है। अगर फॉर्च्यून बेल्स की टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हो, एक को ट्राई कर सकते हो, फिर प्रीतम कुमार को भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा चित्तौड़ग्राम चैलेंजर्स की तरफ से देखोगे आप एस हुसैन, निहादुज्जुमान और स्वागतम होम, भाई ये दोनों अच्छे स्पिनर हैं, स्पेल अच्छा जा रहा है इनका, रन बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे, बॉलिंग अच्छी चल रही है, विकेट हालांकि कम मिले। स्वागत होम को भी लास्ट गेम में एक विकेट मिला और निहादुज्जुमान, ठीक है, निहादुज्जुमान को भी एक विकेट मिला। तो भाई दोनों प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो। सेकंड में होगी एस हुसैन, बढ़िया बैटिंग की है यार बंदे ने, ठीक है, पोजिशन थर्ड पे खेलता है, जाना माना नाम नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस रेगुलर दी है, तो हो सकता है ज्यादा बड़ी पार नहीं। ऐसे प्लेयर को मैं आपको सीवीसी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। निजामुद्दीन को आप वीसी ट्राई कर सकते हो वैसे, ठीक है। तो यहां से आपको दो या तीन प्लेयर, मुझे लग रहा है आज के मैच में आपको तीन प्लेयर कंफर्म मिलेंगे। बाकी देखो चेंजेस आजकल ज्यादा हो रहे हैं, तो चेंजेस के हिसाब से मेरे को बाद में आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, ठीक है। यहां देखो आप टीम में किस प्रकार रखना है, रहीम को रखा है, तमीम इकबाल और जादरान को रख रहा हूँ, तमीम इकबाल जादरान एस हुसैन को रखा है। आप चाहो तो तमीम इकबाल पर भी रिस्क ले सकते हो। महेंद्र सिंह मीरा, स्वागत होम दुनित विला लगे, महेंद्र सिंह मीरा स्वागत होम सौम्य सरकार और दुनित विला लगे, ए हुसैन, निदाजुमान, अब्बास अफरीदी, खालिद अहमद, बिलाल खान, ए हुसैन, निजादुमान और अब्बास अफरीदी। डिफरेंसली मैंने प्लेयर्स को रखा है, ठीक है, जो प्लेयर मैंने बताया आपको वो अप्लाई करने। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूं तो भाई कैप्टन वाइस कैप्टन आप महेंद्र हसन मिराज को आज ट्राई कर लेना, हालांकि लास्ट कुछ मैच से विकेट नहीं मिले, बाकी धुनत विला लगे और महेंद्र हसन मिराज अच्छे ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे स्पिन अच्छी चली थी लास्ट गेम में। बाकी स्लोअर बॉलिंग जो डालता है वो भी यहाँ पे अच्छे साबित हो सकते हैं, ठीक है। बाकी बैटिंग से तो देखोगे तो आपको रहीम या फिर इनमें से आप वीसी ट्राई कर सकते हो। इधर से आप पहले बॉलिंग करें एम हुसैन को वीसी ट्राई कर सकते हो, अब्बास अफरीदी को कर सकते हो वीसी के लिए, निजामुद्दीन, ऐसे कुछ प्लेयर है जो अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको टीम बनानी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।